हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिजिनेट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने इन इंस्ट्रूमेंट के बेसिक्स के बारे में जानकारी ली थी। हमने ये चीज़ भी जानी थी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो सिम्बल्स बने हुए रहते हैं या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो बनी हुई रहती है जिसको हम लोग रेटिंग बोल रहे थे, उन रेटिंग्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जब भी हम लोग किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मूलतः जो क्लासिफिकेशन रहता है इंस्ट्रूमेंट का वो दो प्रकार का रहता है। कौन कौन सा रहता है? अपने को पता है कि जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन रहते हैं उनमें पहला जो प्रकार रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग। क्या बोल रहे हैं हम लोग? एनालॉग। और जो दूसरा प्रकार रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल। क्या बोल रहे हैं? डिजिटल। ठीक है, अब जब भी अपन इन दोनों के अंतर की भी बात करते हैं, जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट रहता है ना, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहता है? बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिस भी राशि को नापना है, ठीक है, जिस भी राशि को नापना है उस राशि के हिसाब से हम लोग एक स्केल को कैलिब्रेट करते हैं और एक सूचक के द्वारा उस वैल्यू को उस स्केल के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कैसे? अब एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हम लोग डेली लाइफ के अंदर एक घड़ी को इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो समय रहता है ना उस समय को उस घड़ी के अंदर कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब समय भी, जैसे समय को भी हम लोग दो हिसाब से लिखते हैं, एक तो रहता है जैसे आवर्स, क्या रहते हैं? आवर्स यानी घंटे। ठीक है, और एक रहता है मिनट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्केल रहती है ना उस स्केल को जैसे आवर्स के हिसाब से 12 हिस्सों के अंदर बांट लेते हैं उस स्केल को, और मिनट्स के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं इस पूरे के पूरे स्केल को 60 हिस्सों के अंदर बांट लेते हैं। ठीक है, अब क्या रहता है, जैसे अगर आप घड़ी को रीड करोगे तो जैसे उस घड़ी के अंदर दो वो रहते हैं, दो क्या रहते हैं? पॉइंटर्स रहते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो पॉइंटर्स रहते हैं ना, वो पॉइंटर्स क्या बताते हैं? वो वैल्यू बताते हैं जो भी समय है उस समय की। कैसे? आप क्या देखते हो कि जो आवर एंड रहता है ना, ये जो छोटी वाली सुई रहती है वो क्या बताती है कि ये जो बड़े वाले जो दो सिंबल्स हैं या ये जो दो स्केल के बीच ये पॉइंट बने हुए ना, इन पॉइंट के मध्य का जो अंतर है उसको हम लोग एक आवर से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो छोटे छोटे इससे बटे हुए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक मिनट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्केल कैलिब्रेट करी हुई है उस कैलिब्रेशन के हिसाब से हम लोग क्या बता देंगे, जैसे समय देख के कि यहाँ से 12 से स्टार्ट होके ये जो छोटी वाली सुई है किसके ऊपर है, इस फर्स्ट खाने के बाद है, तो ये यहाँ पे क्या बताएगा कि 1:00 कितना 0 मिनट हो रहा है। ठीक है, तो ये कैलिब्रेशन करके इस घड़ी में वो जो भी राशि है जिसको हम लोग यहाँ पे समय के हिसाब से बता रहे हैं उस समय को ये क्या कर देगा, प्रदर्शित कर देगा। किसके द्वारा? एक इंडिकेटर के द्वारा। अब जब भी अपन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं ना, तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिसके अंदर हम लोग जो वैल्यूज रहते हैं ना उनको नंबर्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किस हिसाब से प्रदर्शित कर रहे हैं? नंबर्स के हिसाब से प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे? ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस टाइप रहता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जो भी राशि नाप रहे हैं ना उस राशि को पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद ऐसी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जिसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं, जिसको हम लोग रीड कर पाते हैं, उस वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करके अपने को डिस्प्ले करा दिया जाता है जिसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, डिजिटल का एक एडवांटेज और रहता है। क्या एडवांटेज रहता है? कि ये जो रहते हैं ना डिजिटल इक्विपमेंट्स, वो एनालॉग की तुलना में हाईली प्रिसाइज या एक्यूरेट रहते हैं। कैसे रहते हैं? अब ये यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे जो समय है इस घड़ी के ऊपर हमने रीड कराया, ठीक है, हमारे द्वारा यानी ह्यूमन के द्वारा रीड किया गया है, तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे 1:00 हो रहे हैं। ठीक है, 1 AM या 1 PM दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जब भी आप डिजिटल की तरफ जाओगे ना तो डिजिटल इतना एक्यूरेट रहता है कि वो ये भी बता देगा कि 1:00 अगर हो रहे हैं तो उसके बाद 23 सेकेंड हो रहे होंगे और उसके बाद मिली सेकेंड कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज रहता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का। होप आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा, ये समझ में आएगा कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब जब भी अपन एनालॉग की बात करते हैं, देखिए ना, हम इस यूनिट के अंदर बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो सारे के सारे एनालॉग टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जब भी अपन एनालॉग की अगर बात करते हैं तो एनालॉग भी वर्गीकृत किए जाते हैं अलग अलग हिसाब से। कैसे? देखिए, एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। अब एनालॉग की अगर वर्गीकरण की बात करते हैं ना, तो एनालॉग सबसे पहले, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो एनालॉग सबसे पहले जो वर्गीकरण किया जाता है वो किया जाता है किस हिसाब से? सप्लाई के टाइप के हिसाब से। क्या बोल रहा हूँ मैं? सप्लाई के
टाइप के हिसाब से, कैसा टाइप मतलब अपने को पता है जो सप्लाई होती है ना वो दो प्रकार की रहती है, कौन कौन सी, एक तो रहती है एसी और एक रहती है डीसी, ठीक है। तो सप्लाई के टाइप के हिसाब से एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के हो गए, एक तो हो गया ऐसा मीटर जो एसी को नापेगा, एसी के अंदर वो वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज को नाप सकता है, ठीक है। और एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो गया जो डीसी को नाप सकता है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा प्रकार भी होता है सप्लाई के टाइप के हिसाब से, कौन सा रहता है, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एसी व डीसी दोनों को नापेगा, ठीक है, एसी व डीसी दोनों को नापेगा, ठीक है। तो सप्लाई के टाइप के हिसाब से जो उपकरण रहते हैं वो तीन प्रकार के रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वर्गीकरण रहता है वो दूसरा वर्गीकरण रहता है कि किस हिसाब से, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के हिसाब से, यानी विद्युत राशि के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यानी विद्युत राशि के हिसाब से। अच्छा, विद्युत राशि के हिसाब से कैसे, अपने को पता है कि इलेक्ट्रिकल के अंदर विभिन्न विभिन्न राशियां हैं जिनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं या मीटर के द्वारा हम लोग उनको नापते हैं। कौन कौन सी राशियां, जैसे वोल्टेज को नापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के हिसाब से पहला टाइप हो गया वोल्टमीटर, दूसरा हो गया एमीटर जो कि धारा को नापेगा, ठीक है। तीसरा हो गया जैसे पावर फैक्टर मीटर जो क्या नापेगा, शक्ति गुणांक को नापेगा, ठीक है। चौथा टाइप हो गया फ्रीक्वेंसी मीटर जो क्या नापेगा, वो आवृत्ति को नापेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, ठीक है। और अगला टाइप हो गया जैसे क्या हो गया, वाट मीटर जो क्या नापेगा, वो शक्ति को नापेगा, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स रहते हैं किसके, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के हिसाब से, और भी रहते हैं जैसे अपन इसको एनर्जी मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे रहते हैं, पर अपन जैसे बेसिक जो चार पांच प्रकार है जिनको हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं उनको हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो एनालॉग मीटर्स रहते हैं ना, वो एनालॉग मीटर एक और प्रकार के रहते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक और हिसाब से वर्गीकृत करते हैं, किस हिसाब से, वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से, किस हिसाब से, वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से, वर्किंग प्रिंसिपल मतलब कार्य सिद्धांत, ठीक है। कार्य सिद्धांत का मतलब कि अपने को पता है कि जो विद्युत रहती है ना, तो विद्युत के अंदर जो करंट रहती है उस करंट की विशेषताएं रहती है, क्या विशेषता रहती है कि करंट किसी भी जैसे चालक के अंदर से प्रवाहित होती है तो वो अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित करती है और अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, कौन कौन से, जैसे अपने को पता है कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है, तो हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहेंगे जो क्या किस हिसाब से, मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव के हिसाब से कार्य करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा विद्युत का कौन सा रहता है प्रभाव, जैसे अपने को पता है थर्मल यानी ऊष्मीय प्रभाव रहता है, तो इस सिद्धांत वाले काम भी रहेंगे, उपकरण भी रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या रहता है, विद्युत चुंबक प्रभाव भी रहता है, क्या रहता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव भी रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इसके अलावा क्या रहता है, अपने को पता है प्रेरण का सिद्धांत भी रहता है इसका, प्रेरण यानी इंडक्शन टाइप भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप भी रहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग सिद्धांत हैं जिनके हिसाब से जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट वर्गीकृत किए जाते हैं। अब इसके बाद जो चौथा टाइप रहता है वर्गीकरण का, उसको हम लोग बोलते हैं इनके कार्य प्रणाली यानी वर्किंग के हिसाब से, किस हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से, ठीक है। अब वर्किंग के हिसाब से कैसे, देखिए किस हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये तो क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल है, और ये कार्य के हिसाब से, कार्य के हिसाब से कैसे, आप देखोगे जो वर्गीकरण ये इस टाइप का होता है, ये तीन प्रकार से होता है, कौन कौन से रहते हैं, पहला तो रहता है इंडिकेटिंग, कौन सा रहता है, इंडिकेटिंग, ठीक है। दूसरा रहता है रिकॉर्डिंग, ठीक है, और जो तीसरा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। हिंदी के अंदर इंडिकेटिंग को बोलते हैं सूचक यंत्र, सूचक यंत्र,
ठीक है, सूचक यंत्र कौन से यंत्र या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट होता है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स जो भी अपना मीटर है उस मीटर के ऊपर जो भी वैल्यू अपने को प्रदर्शित करवानी है ना वो प्रदर्शित एक पॉइंटर के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं और जो भी वैल्यू उस वैल्यू को हमें बता देते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने अभी जस्ट घड़ी का एक एग्जाम्पल लिया था, घड़ी के एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा था, देखा था कि जो पॉइंटर है ना वो पॉइंटर क्या करेगा, जो भी समय है ना उस समय को पॉइंटर के द्वारा बता देगा। ठीक है, अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की एक विशेषता हो तो और होती है, देखिए ना क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे अपन इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो एक तो जैसे होता है वोल्टमीटर, ठीक है, और एक अमीटर, ये इसके प्रकार हैं। ठीक है, और जैसे अपने को पता है वाटमीटर, ये भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, इनकी क्या विशेषता रहती है कि वोल्टमीटर के अंदर से जब भी आपने वोल्टमीटर को समांतर के अंदर संयोजित किया ना तो उस समय पे जितने भी वोल्टेज आ रही है उस पर्टिकुलर समय पे ये वोल्टेज क्या कर देगा, एक पॉइंटर के द्वारा प्रदर्शित कर देगा। पर जब भी वोल्टेज गई ना तो उसके बाद ये अपने आप किस पे चल जाएगा, जीरो के ऊपर चले जाएगा वोल्टमीटर। यानी ये जो टाइप के इंस्ट्रूमेंट है इनकी एक खामी होगी, क्या खामी होगी कि ये वो जो वैल्यू है ना उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे ही सप्लाई गई वो कैसे हो गए, जीरो हो गए। ठीक है, तो अपने को जैसे अगर जानना है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितनी वोल्टेज थी तो अपने को नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये उन वैल्यूज को जोड़ के भी हमें नहीं बताएगा, ठीक है, ऐड करके भी नहीं बताएगा, जो कि अब हम लोग इन दोनों में पढ़ेंगे कि भाई इनका मतलब क्या है। ठीक है, यानी वोल्ट ये जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या रहेंगे, ये एक बार के लिए जो भी राशि है ना उस राशि को पॉइंटर के हिसाब से एक स्केल के ऊपर बता देंगे कि उस समय पे कितनी वोल्टेज या कितनी करंट आ रही है, जैसे ही आपने सप्लाई को बंद किया ये अपने आप वापस जीरो पे आ जाएंगे। अब जो दूसरा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग या फिर अभिलेख मापी। क्या बोल रहा हूं मैं, अभिलेख मापी, जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है, ये क्या करेंगे इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट जो भी विद राशि है उस राशि का रिकॉर्ड रखेंगे। कैसे रिकॉर्ड रखेंगे, इसका एक एग्जांपल रहता है, देखिए ना आप कभी हॉस्पिटल गए हो तो एक हार्ट की एक रिपोर्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम रहता है ECG। ठीक है, अब ECG के अंदर आप लोग क्या देखते हो, जैसे डॉक्टर से अगर अपन लेके आते हैं ना तो उसकी रिपोर्ट एक पेपर के ऊपर रहती है, वहां पे क्या रहता है कि वो जो रिपोर्ट रहेगी ना उसके अंदर ऐसी कुछ मार्किंग रहेगी। ठीक है, इस मार्किंग का मतलब क्या है, इस मार्किंग का मतलब ये है कि जो अपनी हार्ट बीट है ना उस हार्ट बीट को उसने इस पेपर के ऊपर क्या कर लिया, एक तरीके से प्लॉट कर लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डॉक्टर देख के ये चीज बता देगा कि भाई जो कोई भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर जो हार्ट बीट है वो किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है। ठीक है, मतलब ये जो उदाहरण रहेगा ना जिसके अंदर अपन ने क्या करा है, जो रीडिंग है उस रीडिंग को एक पेपर के ऊपर नोट कर लिया। अब ये जो रीडिंग रहेगी, इस रीडिंग को अगर आप आज देखते हो, कल देखते हो, या आज के 3 महीने 4 महीने या 1 साल बाद भी देख रहे हो ना, तो अपने को ये पता रह सकेगा कि भाई उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो रीडिंग थी ना वो रीडिंग कितनी थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिसके अंदर एक तरीके से जो रिकॉर्ड रह पाता है अपनी जो भी रीडिंग थी उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग या अभिलेख टाइप के इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब वोल्टमीटर रिकॉर्डिंग टाइप के जो वोल्टमीटर या मीटर किस टाइप के कैसे रहेंगे, उनके अंदर क्या सीन रहेगा कि भाई जो वोल्टेज रहेगी ना वो वोल्टेज या जो करंट रहेगी वो टाइम के हिसाब से ऐसे प्लॉट करी हुई रहेगी। ठीक है, अब प्लॉट करी हुई रहेगी तो उससे अपने को क्या एडवांटेज रहेगा, अपने को ये एडवांटेज रहेगा कि आप जैसे ये जो टाइम के हिसाब से प्लॉट करी हुई, जैसे अगर अपने लिखे ये 12 बजे का टाइम है, ये 1 बजे, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, तो कभी भी अगर अपने को जरूरत पड़ती है तो हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डेट के ऊपर 1 बजे जो वोल्टेज थी वो कितनी वोल्ट आ रही थी। ठीक है, इस टाइप की रीडिंग्स की उपयोगिता कहाँ रहती है, जिसके अंदर अपन करंट या वोल्टेज को नापते हैं, इनका बेसिकली कहाँ पे रहती है, जैसे एक तो हम लोग देखते हैं जैसे अर्थक्वेक या फिर जैसे भूकंप वगैरह आता है ना, वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या काम करता है, ये चीज बताता है कि भाई जैसे कभी भी भूकंप आ रहा होता है ना तो उसके अंदर क्या रहता है, एक पेपर के ऊपर प्लॉटिंग हो जाती है और वो प्लॉटिंग क्या बताती है कि भाई उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो भूकंप आ रहा है उसकी तीव्रता कितनी है। ठीक है, तो इनका उपयोग कहाँ रहेगा, एक तो ऐसी जगह पे, एक जैसे अपन ने ECG में देखा, और वोल्टमीटर का उपयोग कहाँ रहेगा, वो इंडस्ट्री वगैरह के अंदर रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह के अंदर जो रहती है ना वोल्टेज की एक्यूरेसी, वो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, वहां पे जो करंट रहती है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है कि वहां पे हम लोग माइनर एम्पेयर से भी ऊपर नीचे नहीं
एक तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट जिनको हम लोग रिकॉर्डिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक तरीके से जो वोल्टेज है या जो करंट है या जो भी विद्युत राशि है उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, उन सब की सब राशि, उन सब के सब इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग या अभिलेख मापी यंत्र, ठीक है। इसका उदाहरण क्या रहता है, इसका इंडस्ट्रियल वोल्टमीटर और इंडस्ट्रियल अमीटर, ठीक है। ऐसे उदाहरण के अंदर ईसीजी मशीन वगैरह और सिस्मोग्राफ वगैरह भी आता है, पर क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल राशि को नापने के लिए नहीं आ रहा है इसलिए हम लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। पर अगर ब्रॉडली अगर आप इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की बात करोगे तो उसके अंदर ये जरूर आएंगे, ठीक है। अब जो थर्ड टाइप है ना, इसका वर्किंग के आधार के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग, ठीक है। इंटीग्रेटिंग को हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं एकीकृत, क्या बोलते हैं, एकीकृत। अच्छा, एकीकृत इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, ठीक है ना। इंडिकेटिंग को आपने क्या देखा, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिन्होंने एक तरीके से जो स्केल थी उसके ऊपर जो भी पर्टिकुलर वैल्यू थी उस पर्टिकुलर राशि की, वो वैल्यू अपने को स्केल के ऊपर एक सूचक के द्वारा प्रदर्शित कर दी। रिकॉर्डिंग टाइप कैसा था, ये ऐसा था जिसके अंदर क्या रहा कि जितनी भी वोल्टेज आ रही थी या जितनी भी करंट आ रही थी या जो भी विद्युत राशि थी ना उसका एक पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग रही, ठीक है। ये जरूरी नहीं है पेपर पे रहे, ये जैसे सीआरओ वगैरह के अंदर क्या रहती है, वहां पे स्क्रीन के ऊपर अपने को दर्शाई जाती है, तो जरूरी नहीं है पेपर पे रहे, किसी भी प्रकार से रह सकती है। अब ये जो इंटीग्रेटिंग रहेगा ना, इसके अंदर क्या रहेगा, इन दोनों से थोड़ा सा अलग रहता है, क्या रहता है, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो भी रीडिंग थी ना उन रीडिंग का सम करके अपने को बताया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या था, रिकॉर्ड अपने को दिखाया जा रहा था, इसके अंदर सम करके अपने को दर्शाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे इनकी आवश्यकता पड़ती है, आप देखते होंगे आपके घर के अंदर एनर्जी मीटर लगा हुआ रहता है, एनर्जी मीटर जो घर का अपना मीटर रहता है उसको अपन बोलते हैं, तो सिंगल फेज हो या थ्री फेज एनर्जी मीटर, उसके अंदर आप क्या नोट करते हो, जैसे अगर आप एक महीने जब आपने मीटर लगाया उसके महीने पर बाद अगर आप देखोगे ना तो वहां पे जैसे कोई भी रीडिंग नहीं, जैसे अपन ने बोल दिया 43 यूनिट का मतलब क्या है, 43 kWh, ठीक है। ये 43 kWh है, 43 यूनिट क्या है, ये बेसिकली जो आपने 30 दिन के अंदर इस्तेमाल करी ना विद्युत, उसको इसने ऐड करके अपने को बताया है, ठीक है। यानी ये किसका, इन 30 दिन के उपयोग हुई विद्युत ऊर्जा का योग है। अब क्या रहेगा, इस मीटर को अगर जैसे एक महीने के बाद आप एक दिन या दो दिन बाद देखोगे ना, तो ये जो वैल्यू रहेगी ये 44 या 44 रह जाएगी या 45 रह जाएगी अपनी उपयोगिता के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मीटर क्या कर रहा है, जो जैसे जैसे अपन वैल्यूज को इस्तेमाल करते जा रहे हैं ना उनको ऐड करके अपने को बताता जा रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग या एकीकृत उपकरण कौन से उपकरण रहेंगे, ये सब की सब रीडिंग्स को ऐड करके अपने को बताता है, ठीक है। ये कह रहा था ये सबका रिकॉर्ड रख रहा था रिकॉर्डिंग टाइम, और इंडिकेटिंग कौन सा था, ये पर्टिकुलर समय के ऊपर जिस भी समय पे अपन राशि को नाप रहे हैं उस समय पे वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा था, ठीक है। इंटीग्रेटिंग का एग्जांपल कौन सा रहता है, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया एनर्जी मीटर, क्या रहता है, एनर्जी मीटर, ठीक है। एनर्जी मीटर से अपन क्या बनाते हैं, अपने घर के अंदर जो भी अपन विद्युत की खपत कर रहे हैं उसका सम बताया जाता है, ठीक है। आज अपन ने क्या डिस्कस करा, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी वर्गीकरण पढ़ा किनका, विद्युत उपकरणों का, और उनके अंदर हमने विभिन्न प्रकार से उसका वर्गीकरण पढ़ा। कैसे पढ़ा था, पहला प्रकार हमने पढ़ा था कि जो सप्लाई है सप्लाई के आधार पे कैसे वर्गीकृत करते हैं, अपन ने बताया कि तीन प्रकार से, जैसे एसी उपकरण, डीसी उपकरण और एक उपकरण जो एसी और डीसी दोनों को नाप रहा था, ठीक है। दूसरा प्रकार अपन ने पढ़ा था किस हिसाब से, विद्युत राशि के हिसाब से हमने वर्गीकरण करा था, कैसे देखा था हमने, वहां पे हम लोग देख रहे थे जैसे विद्युत राशियां कौन कौन सी रहती है, अपने को बताया जैसे वोल्टेज रहती है, करंट रहती है, जैसे फ्रीक्वेंसी रहती है, जैसे पावर फैक्टर रहता है, ठीक है, जैसे विद्युत ऊर्जा यानी एनर्जी रहती है, ठीक है। तो उन सबको नापने के लिए जो मीटर्स इस्तेमाल हो रहे थे वो श्रेणी के अंदर आ रहे थे, जिनको अपन वोल्ट मीटर, मीटर पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर वगैरह अपन बोल रहे थे। जो थर्ड टाइप था, वो थर्ड टाइप क्या था, वो उनके सिद्धांत के आधार पर हमने वर्गीकरण देखा था, यानी उनके वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से। उस प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या देखा था कि भाई जो विद्युत होती है ना उनके जो मूल सिद्धांत रहते हैं, जो कि क्या रहते हैं, अपने को पता है कि धारा जो रहती है ना वो कभी भी किसी चालक के अंदर से प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित होने के ऊपर क्या होएगा, वहां पे धारा अपनी प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करती है, जो कि कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि एक चुंबकत्व की प्रॉपर्टी रहती है, ऊष्मा की प्रॉपर्टी रहती है, प्रेरण की प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। तो उनके आधार पर हमने उनको वर्गीकृत करा था,
जो तीसरा टाइप था एनालॉग मीटर्स का, और जो चौथा प्रकार है वो क्या है, इनके कार्य प्रणाली यानी वर्किंग के आधार पे, जिनको हम लोग तीन प्रकार से कर रहे हैं वर्गीकृत, जो कि कौन कौन से, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। होप जो आज अपन ने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई है तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी क्लासेस को आपके फ्रेंड्स के साथ आपके सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह के ऊपर शेयर कर सकते हैं, और मुझसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट यानी सूचक उपकरणों को अध्ययन करेंगे, तो आप अब मेरी नेक्स्ट क्लास के साथ मुझसे जुड़ सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। हैव ए नाइस डे।